जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, आप लोग मेरे बहुत सारे वीडियो में मुझसे ये सुनते आए हैं कि युग परिवर्तन का समय है, संसार बदल रहा है, नए युग का निर्माण होगा, महायुद्ध भी होगा। ऐसे बहुत सी बातें मैंने अपने वीडियोस के अंदर जरूर कही है, लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं उन तमाम वीडियो को कंसोलिडेट करके आप लोगों के सामने एक ऐसी बात रख रहा हूं जिसके पश्चात शायद ही आपके मन में कोई संशय रहेगा कि इस युग परिवर्तन में आखिर होगा क्या। दर्शकों, संसार के अंदर जो परिवर्तन होने जा रहा है, ऐसा नहीं है कि यह परिवर्तन किसी एक क्षेत्र में होगा। यह परिवर्तन हर क्षेत्र में होगा, चाहे आप इसको किसी भी क्षेत्र पर अप्लाई करके देख लीजिए। ये परिवर्तन राजनीति के अंदर भी होगा, ये परिवर्तन अर्थव्यवस्था के अंदर भी होगा, ये परिवर्तन हमारे विचारधारा के अंदर भी होगा, ये परिवर्तन धर्म को मानने वाले जो लोग हैं उनके विचारों में भी करेगा, और जो अधर्म के रास्ते पर हैं उनके जीवन में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये आने वाला समय करेगा। यानी आध्यात्मिक तौर पर भी आने वाले समय में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन होगा, हमारी संस्कृति के अंदर भी एक आमूलचूल परिवर्तन आएगा, हमारी मान्यताएं जो हम अभी तक मानते आ रहे हैं उन मान्यताओं के अंदर भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, विज्ञान के सिद्धांतों में भी आपको परिवर्तन आता हुआ नजर आएगा। यानी इस संसार का शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र होगा जहां आप परिवर्तन ना होते हुए देखें। यानी हर जगह परिवर्तन तो होकर रहेगा, और परिवर्तन भी ऐसा जो पूरी तरह से यथार्थ में साइंटिफिक तरीके से और आने वाले हजारों साल तक की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और इस आने वाले समय के भविष्य के अंदर मानव कहां जाने वाला है, मानव की प्रगति किस दिशा में होने चाहिए, इन सब को ध्यान में रखते हुए होगा। और यह परिवर्तन कोई साधारण परिवर्तन नहीं होगा। दर्शकों, इतनी बड़ी बात मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं तो उसके पीछे कोई ठोस कारण भी होंगे और हमें उसके कुछ संकेत भी मिल रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि 2018 में मैंने जब कहा था कि दुनिया बहुत बड़े परिवर्तन के लिए अपने आप को तैयार करने वाली है तो मैंने कोई बिना कैलकुलेशन के आपके सामने बात रखी थी। मैंने पूरी कैलकुलेशन उस समय की थी ग्रहों की, और बहुत लंबे समय तक क्या होने वाला है और पिछले कितने समय पहले ऐसा हुआ है, ये पूरी कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए फिर मैंने ये बातें कही थी कि आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। इसलिए हमारी शिक्षा, हमारी संस्कृति, हमारे तौर तरीके, हमारी व्यवस्थाएं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, हर तरह की परिस्थितियों के अंदर हमारे परिवर्तन जरूर आएगा। और ये परिवर्तन इसलिए भी आएगा क्योंकि संकेत अभी से मिलना आरंभ हो चुके हैं। 2018 मैंने बात कही थी, 2022 में आप उन परिवर्तनों को महसूस भी अवश्य कर रहे हैं। हिजाब को लेकर के विदेशों में जो प्रदर्शन हो रहा है उसको आप अच्छी तरह जानते हैं, ये विचारधारा का परिवर्तन है। यूएई के अंदर भव्य मंदिर बना है, ये भी विचारधारा का परिवर्तन है। भारत का अकेले अमेरिका को टक्कर देना, यह बहुत बड़ा सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन है। डॉलर को रुपया अकेला टक्कर दे रहा है, यह अर्थव्यवस्था का बदलता हुआ रूप है जिसे आप और हम शायद बहुत कम समझ पा रहे हैं। अमेरिका की बादशाहत को चुनौती देना यह कोई छोटी बात नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि ये प्रयास इससे पहले किसी और देश ने नहीं किए, लेकिन तब परिस्थितियां
और ब्रह्मांड की नियत और नेकी उन लोगों के साथ नहीं थी, यानी परिवर्तन उस समय प्रकृति नहीं चाहती थी, लेकिन इस समय तो प्रकृति परिवर्तन करना चाहती है, इसीलिए कार्य उसी दिशा में जरूर संपन्न होंगे। अभी तो बहुत छोटी सी शुरुआत है, आप देखते जाइए आने वाले समय के अंदर कितनी तेजी के साथ आप इस संसार के अंदर परिवर्तनों को देखेंगे, और ये परिवर्तन हमारे पूरी विचारधारा को जड़ से हिला के रख देंगे। यानी पूरा संसार इस बात पर एकमत होगा कि अब हमें एक ऐसी आइडियोलॉजी को इस पूरी दुनिया में लेकर आना है जिसमें किसी भी तरह की कोई ऐसी व्यवस्था ही ना हो कि मैं ये मानता हूं और मैं ये नहीं मानता हूं। यानी या तो ये संसार किसी चीज को मानेगा या नहीं मानेगा, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग मानेंगे और कुछ लोग नहीं मानेंगे। ऐसी व्यवस्था हम आने वाले समय के अंदर होते हुए जरूर देखेंगे, लेकिन इस व्यवस्थाओं से पहले जो लोग इस बातों को स्वीकार नहीं करेंगे उनका अंत की प्रकृति बहुत अच्छी तरह से करेगी। इसीलिए दर्शकों, आने वाला समय बहुत बड़े परिवर्तन का है, और इन परिवर्तन को आप आने वाले 2 से 4 सालों में बहुत तेजी से होता हुआ देखेंगे, और इसमें वो परिवर्तन भी शामिल हैं जिनके लिए आप ये कहेंगे कि यहां तो परिवर्तन हो ही नहीं सकता था, उन जगहों पर भी परिवर्तन होगा। दर्शकों, शब्दों की मेरे साथ मर्यादा है, क्योंकि कुछ बातें मैं बहुत ओपनली नहीं बोल सकता, क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर के सामने एक दुविधा होती है कि जो बात वो कहना चाहता है, जिस दृष्टिकोण से कहना चाहता है, अगर सामने वाला उस दृष्टिकोण से उस बात को नहीं समझ रहा है तो वो फिर अर्थ का अनर्थ निकाल लेता है, और जिसकी वजह से गतिरोध पैदा होता है। इसीलिए मैंने केवल सांकेतिक रूप में आप लोगों को बताया है कि परिवर्तन तो हर जगह होकर रहेगा, और इस परिवर्तन के अंदर वही विजेता होगा जो सही रास्ते पर होगा। जो लोग गलत रास्ते पर हैं, ये परिवर्तन उनके नामो निशान को मिटा देगा, और जो सही रास्ते पर हैं उन्हें जमीन से आसमान तक पहुंचा देगा। इसलिए ध्यान रखिए, ये जो परिवर्तन होने जा रहा है इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और आने वाले समय के अंदर मैं इस परिवर्तन के सूत्र को भी आप लोग के सामने रखूंगा। हर क्षेत्र में क्या परिवर्तन होगा, कैसे होगा, अब तक हमारी मान्यताएं क्या थी और आगे हम किस चीज को फॉलो करेंगे, इसके संदर्भ में भी मैं आपको डिटेल में एक एक बात बताऊंगा, लेकिन इस समय पर वो बताना, समय से बहुत पहले उस बात को रखना है, और ये बात इस समय पर रखने का समय भी नहीं है। जब समय होगा तब इस बात को मैं आप लोगों के सामने जरूर रखूंगा, लेकिन अभी उसे हम भविष्य के गर्भ में रखते हैं, और आने वाले समय के अंदर उन परिवर्तनों पर और डिटेल में आपसे बात करेंगे। लेकिन इतना जरूर आपको बता देता हूं कि आने वाला समय जो परिवर्तन करेगा वो हमारी सोच और हमारी कल्पना से बहुत आगे का होगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।